जोधपुर की उरला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 वर्ष पूर्व बीरगांव स्थित अपने मकान को बेचने के नाम पर प्रार्थी छबीराम वर्मा से चेक व नगद कुल 21,40,000 रुपए लेकर रजिस्ट्री करने का इकरारनामा बनाने के बाद रकम लेकर फरार होने वाले आरोपी पति पत्नी ललन कुमार राव व के सुजाता को रायपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। जसपुर जिले के दोकड़ा चौकी क्षेत्र के ग्राम जामुंडा में 9 जुलाई को हुए डबल मर्डर गोलीकांड के मास्टरमाइंड फरार आरोपियों को जसपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा मंगलवार को जसपुर पुलिस ने किया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी थी। उत्तर प्रदेश से कुछ पैसे कमाने आया जावेद गुड़ फैक्ट्री की लापरवाही से हादसे का शिकार हो गया। गुड़ फैक्ट्री में आग जलाने के लिए भूसा लाया जा रहा था। ट्रक में भूसा ओवरलोडेड था और मजदूर गाड़ी के उसके ऊपर चढ़कर भूसा खाली कर रहा था। इसी दौरान उसका हाथ तार तक पहुंच गया, जिससे झुलस कर वो गिर पड़ा और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बस्तर जिले के दरमा थाना क्षेत्र में सीमेंट ईंट बनाती एक नाबालिग युवती का मिक्सर मशीन में हाथ फंस गया, जिससे हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया। घायल नाबालिग और उसके कटे हाथ को लेकर परिजन और मुंशी डिमरापाला मेडिकल कॉलेज पहुंचे। घायल नाबालिग का इलाज जारी है। बिलासपुर के सरकंडा थाना पुलिस ने प्रार्थिया की शिकायत पर इंस्टाग्राम पर पीड़िता की अश्लील फोटो वायरल करने वाले आरोपी निहाल पांडे को मंगलवार को गिरफ्तार कर उसके मोबाइल को जब्त कर लिया है। राजधानी के आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम भानसोज से गुरुवार से लापता हुए 10 वर्षीय बालक रुपेंद्र निर्मलकर के मिले शव के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुर्गेश निर्मलकर उर्फ महंगू ने इसलिए बालक की हत्या कर दी थी कि मृतक ने धान चोरी की जानकारी गाँव वालों को बता देने की धमकी दी थी। रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में रायगढ़ खरसिया हाईवे में देर शाम खड़ी ट्रेलर से मोटरसाइकिल भिड़ने की घटना में एक बेगुनाह युवक मोहम्मद वाहिद की मौके पर ही असमय मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रायगढ़ बिलासपुर नेशनल हाईवे 49 में सड़क दुर्घटना का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पखवाड़े भर में 14 दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा घटना में मंगलवार को ड्यूटी कर घर लौट रहे बाइक सवार प्रधान आरक्षक सागर सिंह सिदार की कार की चपेट में आने से मौत हो गई। भूपदेवपुर पुलिस ने मर कायम कर मामले की जांच कर रही है। कोरबा जिले के दीपका क्षेत्र में काम करने के बाद बाइक से घर लौटते समय बाइक के बेकाबू होने से सड़क पर गिरे युवक की मौत हो गई। बिलासपुर जिले के अदरली निर्तु गांव का विनोद कुमार कोर्राम दीपका क्षेत्र में एक निजी कंपनी में कार्यरत था। वह प्रतिदिन अपाचे बाइक में सवार होकर गांव से दीपका की आवाजाही करता था। जांजगीर जिले के आत्मानंद स्कूल बलौदा व जय भारत स्कूल बलौदा के 8 बच्चे पिकनिक मनाने बलौदा थाना क्षेत्र के पतौरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत देवरी गांव में हजदो नदी में पिकनिक स्पॉट गए थे। तभी आत्मानंद स्कूल के 2 छात्र दिव्यांश कटकवार व प्रांजल देवांगन दोनों नहाने उतरे थे और गहरे पानी में जाकर डूब गए। कवर्धा जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम इंदौरी पेट्रोल पंप के पास कंटेनर वाहन के साथ एक बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवक राकेश मानिकपुरी दीपक मानिकपुरी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में तुरंत बाद कंटेनर वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बालोद जिले के रणचिराई थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति के सदस्य के जमीन को कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करने के मामले में 3 माह से फरार चल रहे आरोपी को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बेमेतरा जिले की आबकारी पुलिस ने मंगलवार को 2 लोगों को शराब की अवैध रूप से बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ग्राम तारपोंगी में आरोपी भागवत निषाद के घर दबिश दी, जहां घर में छिपाकर रखे 14 नग मध्य प्रदेश निर्मित ब्लू चिप रॉयल विस्की एवं 84 नग देसी शराब जब्त की है।
जांजगीर जिले की बिरला थाना क्षेत्र में घर लौट रही युवती का रास्ता रोककर एक युवक छेड़छाड़ करने लगा। उसी दौरान युवती का भाई वहां पर पहुंच गया और उसने युवक की हरकत का विरोध किया तो आरोपी युवक ने युवती के भाई की पिटाई कर दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर बिरला पुलिस ने आरोपी भरत देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है। खेत में सिंचाई के लिए लगाए गए 5 हॉर्स पावर के बोर के स्टार्टर व वायर की चोरी करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आमापाली निवासी उदित नारायण पटेल ने अपने खेत में सिंचाई हेतु 5 हॉर्स पावर का बोर लगाया है। जसपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र बटोली मोहल्ले में टेंट हाउस में मजदूरी करने वाले युवक की अज्ञात लोगों ने गले में छेद कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मंगलवार की सुबह उस समय पता चली जब युवक की मां ने शव को घर से बाहर पड़ा हुआ देखा। मामले में पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दंतेवाड़ा जिले के गिदम थाना क्षेत्र के सरपंच पारा में शांति तमो नामक महिला ने अपनी पति मंगू तमो से तंग आकर उसकी हत्या कर दी। बीते दिनों दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हत्या की खबर के बाद गिदम थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं पत्नी ने पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में रायपुर से भिलाई के बीच निर्माणाधीन कुम्हारी फ्लाईओवर ब्रिज एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। सुबह और शाम जाम के चलते 3-3 घंटे के लिए ब्रिज को खोला जाएगा, बाकी समय ब्रिज में क्रॉस बैरियर का निर्माण चलेगा। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र स्थित महिमा हॉस्पिटल के सामने दुर्ग पाटन मार्ग में हुए सड़क हादसे में टीचर की मौत हो गई। वे अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, उसी दौरान सामने से आए टेलर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई। नकपुरा के निजी फार्म हाउस में कबाड़ मिली किवाड़ की गाड़ियों की अब जांच होगी। इसके लिए भिलाई निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने जांच के निर्देश दिए हैं। 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। यह टीम 2016-17 में किवाड़ की रात 7 हुई संपत्ति की सूची की कबाड़ मिली गाड़ियों का मिलान करेगी।